विदिशा जिले के सिरोंज से एक मामला सामने आया है, जिसमें सिरोंज एडीजे न्यायालय के फैसले के बाद में एसडीएम कार्यालय का सामान कुर्क कर लिया गया है, जिसमें एसडीएम कार्यालय में रखे कंप्यूटर, टेबल और कुर्सी और न्यायालय परिसर में लाकर रख दी गई थी। इस घटना में अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है, जिस वजह से मध्य प्रदेश शासन की छवि भी धूमिल हुई है। अगर समय रहते न्यायालय के आदेश के पालन में विभाग कोई अपील भी की जाती है तो इस स्थिति में सिरोंज एसडीएम कार्यालय को नहीं गुजरना पड़ता। वहीं पर पूरा मामला 2011 में सिरोंज गुना हाईवे से जुड़ा हुआ है, जहां पर हाईवे में रोहलपुरा चौराहे के पास में 82 लोगों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी और मुआवजा दिया गया था। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस रोड का निर्माण करवाया था और MPRDC के लिए यहां पर तत्कालीन SDM ने भू अर्जन का कार्य भी किया था, लेकिन कुछ लोगों को मुआवजा बेहद ही कम दिया गया था और वो इस मामले को लेकर अदालत चले गए थे। लेकिन केस के प्रमुख जो एडवोकेट है कपिल त्यागी, उन्होंने बताया कि फरवरी 2023 को न्यायालय में बड़ा मुआवजा देने का आदेश शासन को दिया था, मगर शासन या MPRDC ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब न्यायालय के आदेश के पालन के लिए इजरा भरकर यहां पर वापस से आवेदक गण न्यायालय के शरण में गए, जिसके बाद न्यायालय के आदेश में यहां पर SDM कार्यालय में टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर आदि जब्त करते हुए न्यायालय परिसर में रख दिए गए थे। सिरोंज में अपने तरह से यह एकता पहला मामला है जहां पर सारी कार्रवाई को लोगों ने कौतूहल का विषय भी बना दिया था। वहीं पर एडवोकेट कपिल त्यागी ने बताया कि 2011 में करीब 40,000 रुपये का मुआवजा देना तय हुआ था, जिसके खिलाफ वे अदालत गए थे। न्यायालय के आदेश में उन्हें 29 लाख रुपए प्राप्त करने का अधिकारी माना गया था। एडवोकेट कपिल त्यागी को 2011 में करीब 40,000 रुपए का मुआवजा देना तय हुआ था, जिसके खिलाफ वे अदालत गए थे। फरवरी 2023 में न्यायालय के आदेश पर यहां पर कुछ राशि देने की बात की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर विदिशा कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वेद का कहना है कि एक न्यायालयिक प्रोसेस है, वह होती है और उसके अगेंस्ट में जो भी अपील हुई है, अपील के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हमने जो सड़क बनी हुई है उसमें हम लोगों की भूमि अधिग्रहण की थी, लेकिन उस वक्त हमको किसी को 40,000 रुपये, किसी को 45, किसी को 55 इस तरीके से पैसा दिया था। हम चार पांच लोगों ने नहीं लिया था, हमने कहा जो 5.5 करोड़ रुपया जो है हम लोगों का हुआ, फैसला हुए 10-11 महीने हो गए, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। हमने माननीय न्यायालय में इजरा भरा, इसके तहत ये कुर्की का आदेश हुआ है। जो न्यायालयीन प्रोसेस है वो होती है, भू अर्जन अधिकारी के रूप में जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है उसने एक आदेश पारित किया, उसके अगेंस्ट एक सिविल न्यायालय में एक अपील हुई, अपील में जो आदेश हुआ उसकी जो पश्चातवर्ती कार्रवाई है उसमें जो न्यायालयीन कार्रवाई की जाती है वो निश्चित रूप से की जाएगी और जो न्यायालयीन आदेश है उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही